पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर स्थित हैं पर्वत, किंतु मानव की अति सक्रियता और ऐश्वर्य की लालसा ने इन्हें विदीर्ण कर दिया है। मशीनों और अपने यांत्रिक ज्ञान का प्रयोग मानव ने हमेशा अपने हित में किया। लगातार सड़कों की बढ़ती मांग और आधुनिकता की दौड़ ने हमें विनाश की राह दिखाई है। हम सड़कों के निर्माण, जल संसाधनों के दोहन, यातायात की व्यवस्था हेतु पहाड़ों को बींधते जा रहे हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि पर्वतों का अस्तित्व शांत बना रहना चाहिए। बर्फ को समेटने संभालने का पूरा जिम्मा इन पर ही तो होता है। पर्यावरण की एक महत्वपूर्ण इकाई होने के बाद भी आज विकास के नाम पर इन्हें अनदेखा किया जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, कब तक हम अपनी आंखें यूं ही मूंदे रहेंगे? पर्यावरण की अस्थिरता, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से हमें इन्हीं सब कारणों से दोचार होना पड़ रहा है। आज पृथ्वी पर यातायात क्रांति का दौर है। हर गांव, हर नगर, हर कस्बा उससे जुड़ जाना चाहता है। सरकारें भी लगातार कोशिशें करती रहती हैं कि हर नगर, हर गांव, हर कस्बे को यातायात व्यवस्था से जोड़ दिया जाए। लेकिन हम ये कब समझेंगे कि विकास एक धीमी मृत्यु अपने भीतर समेटे हुए आ रहा है? लापरवाही से किए जाने वाले ये कार्य समूची व्यवस्था को ही उजाड़ सकते हैं। यही कारण है कि आज मौसम भयानक होते जा रहे हैं। कहीं बाढ़, कहीं अकाल और भी न जाने कैसी कैसी विभीषिकाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब तो हमें जागना ही होगा, अब तो ये खनन रुकना ही होगा, अन्यथा न जाने भविष्य का प्रारूप कैसा होगा।